दिल्ली हिंसा के बाद से किसान आंदोलन की हवा निकल गई है। किसान नेता राकेश टिकैत भले ही किसानों को बहला फुसला कर हिंसा कराने में कामयाब हो गए, लेकिन टिकैत का रचा हुआ षड्यंत्र अब सामने आ गया है। भारतीय किसान यूनियन और राकेश टिकैत के खिलाफ मोर्चा किसानों ने ही खोल दिया है। हिंसा के तुरंत बाद दो किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन भी शामिल था। अब राष्ट्रीय मजदूर संगठन के अध्यक्ष बीएन सिंह ने टिकैत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीएन सिंह ने राकेश टिकैत पर राजनीति करने और विपक्ष से साठगांठ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों के नेता खुलकर बोलने लगे हैं। जब मैं वहां था तब मंच से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं बोल सकता था, अब सब मंच पर है और सब कुछ राजनीतिक हो रहा है। समर्थन करना अलग बात है और खुलकर सामने आना अलग बात है। उधर किसान आंदोलन कमजोर पड़ता देख आंसू बहाने वाले राकेश टिकैत के सुर भी अब बदलने लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने कई किसान नेताओं पर मामला दर्ज किया है, इसमें राकेश टिकैत का नाम भी शामिल है। ऐसे में अब गिरफ्तारी के डर से राकेश टिकैत सरकार से सुलह करना चाहते हैं। किसान आंदोलन के कमजोर पड़ने के बाद टिकैत ने सरकार से कहा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो वो नए कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करने पर अड़ी हुई है। टिकैत ने कहा, सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और ये लड़ाई लाठी डंडो बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती है। वहीं राकेश टिकैत ने फिर ये बात दोहराई कि बातचीत से ही इसका हल निकलेगा, भले सरकार 1.5 साल बाद ही बात करे। माना जा रहा है कि दूसरे किसान संगठनों के पीछे हटने की वजह से और केंद्र सरकार के सख्त रवैये के बाद राकेश टिकैत के रुख में नरमी आई है। ऐसे में अब राकेश टिकैत की सच्चाई भी देश के सामने आ गई है। अब देखना होगा किसान आंदोलन के नाम पर चल रहा खालिस्तानी आंदोलन कब खत्म होता है, क्योंकि अब आंदोलन की सच्चाई भी देश के सामने है। किसान कभी भी देश को शर्मसार नहीं करते, लेकिन आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को जो हुआ उससे दुनिया भर में देश का नाम खराब हुआ है और लोगों की सरकार से यही मांग है कि देश द्रोहियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।